इस वीडियो में हम क्लास ए का हिंदी बुक किसलय भाग थ्री बिहार बोर्ड से जो है इसका चैप्टर नंबर 5 हुनरू का जल प्रपात इसका क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप रीडिंग कर लीजिएगा, इसका सारा क्वेश्चन आंसर आपको लिख करके बताया गया है, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए। देखिए, एक नंबर में है, जैसे हुनरू का झरना वैसे उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, इसका आंसर आपका यहाँ पर दिया हुआ है, हुनरू का झरना अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। मार्ग में बीहर जंगल, मतलब घना जंगल, जिससे हिंसक जानवर, खतरनाक जानवर, जीवों की आवाज़ के साथ साथ विविध पक्षियों का कलरव मनमोहक लगता है। हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते का आनंद और भी शोभा बढ़ा देता है। तो ये वन का आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए सेकेंड का जानते हैं। सेकेंड प्रश्न है, हुनरू का झरना कैसे बना है? तो देखिए, हुनरू का झरना स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भागों में विभक्त हो जाती है, पुनः एक जगह होकर पहाड़ से उतरती है। यह है हुनरू का झरना जो 243 फीट ऊपर से गिरती है। तो ये दूसरा का आंसर था। तीसरा प्रश्न हमारा, देखिए, स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है, तो झरने से आगे का दृश्य, उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तीसरा उत्तर देख लीजिए। हमारा है, हुनरू झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है उसके आगे का दृश्य। आगे घाटी है, पहाड़ों के बीच पतली नदी, मानो थर्मामीटर का पारा। नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार, उस पर झाड़ी, चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। स्वर्ग जैसा सुख देने वाला हुनरू के झरने से आगे का दृश्य है। ये तीसरा प्रश्न का उत्तर था। चलिए अगला जानते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न हमारा है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये आपका आंसर है, प्रस्तुत पाठ हुनरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत है, मतलब यात्रा, कोई व्यक्ति जब यात्रा करता है ना, तो वही यात्रा है एक तरह से, कभी यात्रा किए थे और उसी के बारे में लिखे हैं। किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन भी अनिवार्य है, जैसा कि हुनरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में लेखक ने वर्णन किया है। मतलब यात्रा में आप, यानी कि यात्रा का ही वर्णन करें, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये सब स्थिति के बारे में भी वर्णन करना है। और लास्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन दो तरह से किया गया है। कौन नंबर में है, हुनरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग भरता है, और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। ये एक नंबर में, इसी को दूसरा तरीका से लिखा गया, हुनरू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इनमें कौन सा वर्णन आपको अच्छा लगता है, मतलब कौन नंबर या खौन नंबर आपको कौन सा अच्छा लगता है, उसका रीजन भी देना है, कारण भी देना है। तो देखिए, तो यहाँ पर हमने लिख रखा है, उपरोक्त मतलब ऊपर में लिखे गए दो कथनों में मुझे प्रथम कथन का तरीका अच्छा लगता है, क्योंकि प्रथम कथन में विशेष्य मतलब विशेषता करने वाला, उसके बाद विशेषण दोनों का प्रयोग है, जबकि दूसरे कथन में विशेषण मात्र प्रयोग हुआ है। प्रथम कथन अलंकार पूर्ण है, इसमें उपमा अलंकार का समावेश किया गया है, जैसे सांप की तरह चक्कर काटना, हिरण की तरह छलांग लगाना। तो आपने देखा इसका आंसर क्या होगा, स्क्रीनशॉट करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मात्र इसमें देख लीजिए 4-5 ही प्रश्न था, उसके बाद पाठ से आगे ये पाठ के दृष्टिकोण से नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो।